मैं योगेश नारायण माथुर फैमिली कोर्ट में एडवोकेट हूं। जिस समय बरेली की बर्फी की शूटिंग बनी थी उस समय उनकी डायरेक्टर और उनके फाइनेंसर और उनके फोटोग्राफर सब आए थे, उन्होंने सर्वे किया था और उन्होंने सीरियल प्रॉपर्टी को बहुत पसंद किया था। उनकी जो आर्ट डायरेक्टर थी बहुत ही इंटीरियर बहुत ही एफिशिएंट थी। उन्होंने घर को बिल्कुल ऐसा सेट बना दिया था अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। इनिशियली तो मुझे जरा सा इनकन्वीनियंट फील हो रही थी क्योंकि हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था। आई एम एडवोकेट इन द फैमिली कोर्ट, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस लग रही थी। लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही, दे आर वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट और बहुत ही एकोमोडेटिंग थे। तो फिर जब इतने दिन लोग रहे तो हम लोग भी उनके संग एक फैमिली बन गई थी और उनके डायरेक्टर ने हमको भी ऑफर किया इसमें कुछ रोल। तो जब वो अंगूठी का सीन होता है तो उन्होंने मुझे बिठाया था और कहा था कि आप आयुष्मान की अंगूठी तो फंस रही है, वो सीन में उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसमें कुछ बोलिए। उसके बाद फिर जब मैं शादी में सब गेस्ट आ रहे हैं तो लोग फिर मेरे पैर छुए थे कि मौसम जा गए मौसम जा गए। वो मेरे एक अच्छे शौक थे। फिर एंड में बिल्कुल जिस समय जो होता है राजकुमार राव कहता है नहीं भाई मेरा गला खराब है ये बोलेंगे, तब उस समय जब होता है सब फाइनल हो जाता है तो फिर हमने उनको कहा था बड़ा ये बताए कॉम्पोजिशंस तो भी तो वो इन ऑल इट वॉज गुड। और उनकी टीम बहुत अच्छी थी, फुली इक्विप्ड थे, हम लोगों को कोई लोगों ने इनकन्वीनियंस नहीं होने दी और बहुत कॉपरेटिव थे।